नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो आज किस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं SSC MTS 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है, तो इस वीडियो हम लोग फुल डिटेल से जानने वाले हैं कि आप लोग कट ऑफ किया जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग का नॉर्मलाइज कट ऑफ किया जाने वाला है, और हम लोग ये जानने वाले हैं साथ में कि आप लोग कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आप लोग का जो है ये सिलेक्शन होगा MTS में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर से ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को SSC MTS से रिलेटेड हर जानकारी दी जाएगी। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी आप लोग को खबर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम SSC MTS में टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे जो टोटल सीट थी 9000 प्लस थी, और हम लोग जानने वाले हैं कि SSC MTS का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो क्या जाने वाला है। तो ये मैं आप लोग कट ऑफ बताने वाला हूँ, आप लोग को मैं रो मास का कट ऑफ बताने वाला हूँ, और इसके बाद मैं आप लोग को नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ बताऊँगा। तो आप लोग को जो कट ऑफ है रो मास का कट ऑफ होने वाला है। तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी का कट ऑफ की बात करें, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो वो 76 प्लस जा सकता है, ये लोग आप लोग का रो मार्क्स का कट ऑफ है, नॉर्मलाइज का नहीं है। OBC की बात करें तो 70 प्लस जा सकता है OBC का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। EWS कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं तो 68 प्लस जा सकती है EWS की कट ऑफ। और अगर हम लोग SC कैटेगरी की कट ऑफ बात करें तो 65 प्लस जा सकती है, और ST कैटेगरी का आप लोग का जो कट ऑफ है वो 60 प्लस जा सकता है। तो हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कि आप लोग को जो नॉर्मलाइज कट ऑफ वो क्या जा सकता है, नॉर्मलाइज कट ऑफ। तो और हम लोग जनरल कैटेगरी का नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात करें तो आप लोग का जनरल कैटेगरी का 85 प्लस जा सकता है नॉर्मलाइज कट ऑफ। और अगर हम लोग बात करें OBC कैटेगरी का, तो OBC कैटेगरी का जो नॉर्मलाइज कट ऑफ आप लोग का 78 प्लस जा सकता है। EWS कैटेगरी का नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात करें तो आप लोग का 74 प्लस जा सकता है। SC कैटेगरी का नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात करें तो आप लोग का 72 प्लस जा सकता है या 70 प्लस जा सकता है। और ST कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो 68 प्लस जा सकता है आप लोग का नॉर्मलाइज कट ऑफ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग रेलवे से SSC से रिलेटेड की खबर जल्दी दी जाती है। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।